अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद, ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदा फीहा बेअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में खुशियों के अय्याम। आइए करबलाई मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्ने अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला। अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्ला। अस्सलामु अलैका याबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका याबना फातिमा ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास याबना अमीरिल मुमिनीन वाबना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि वलि रसूलि वलि अमीरिल मुमिनीन वल हसनि वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
करबलाए मौला की पाक धरती में आप सबकी खिदमत आलिया में खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 11 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी और 18 अक्टूबर 2021 ईसवी है और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 686 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे मनकबत नुहा खां, समर अब्बास इनकलाबी साहब सिंध पाकिस्तान से, और नुहा खां आसिफ रिजा शुजाबादी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से, और नातगो शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद असद अब्बास बुखारी जो के मुतखल्लिस हैं मसूद चिश्ती साहब के नाम से फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से हमारे साथ महावे जिक्र होंगे, और नुहा मनकबत खां सैयद हसनैन रिजा नकवी साहब गुजरात पाकिस्तान से आज हमारे साथ शरीक होना था उन्होंने लेकिन सफ़र में है, कोई सफ़र में उनको सहूलत शायद मैसर नहीं है प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, लिहाजा उन्होंने माजरत खाही की। खुदावंद मुताल सब मोमिनीन मोमिनात पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला का बेहद बेहिसाब बेपायान शुक्र है कि उसने हमें जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए चंद लहजे और इनायत फरमाए। जब जब अल्लाह की नेमत का एहसास हो शुक्र अदा करना चाहिए, और नेमत जब इतनी अजीम हो कि उसका एहसास इंसान के लिए दुनिया और आखरत की नजात का सबब बनता हो तो उसके लिए शुक्रिया तो बहुत ही ज्यादा करना चाहिए। अय्याम मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम भी चल रहे हैं और आज तीसरा दिन है ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का। आप सब की खिदमत आलिया में बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की। और 12 रबीउल अव्वल है कल इंशाअल्लाह मुसलमानों के नज़दीक, कल अमूम मुसलमान के नज़दीक कल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का दिन है, और अहले तशय्यो मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम के नज़दीक 17 रबीउल अव्वल को होगी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद। बहरहाल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए जो भी खुशी मनाए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का जो भी जुलूस निकाले, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो भी शख्स परचम बुलंद करे हम उसके साथ हैं और हम मुसलमानों के साथ ईद मिलादुन्नबी कल की तारीख के एतबार से भी मनाएंगे और 17 रबीउल अव्वल तक पैहम हम जश्न की कैफियत में है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने खातमुल अंबिया सैयदुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद की तारीख को हमारे लिए खुशी और ईद का दिन करार दिया है। लिहाजा कोई भी शख्स मीलादुन नबी नहीं कहता फ़कत, बस जब भी मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बात आई ईद मीलादुन नबी कहा जाता है, जिसे पता चलता है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नबी आज़म नबी दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद के दिन को ईद करार देते हैं। लिहाजा मुसलमान सब कहीं पर भी हैं, हम उनके लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नातगो सैयद असद बुखारी साहब जो मुतखल्लस हैं मसूद चिश्ती साहब के नाम से फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब क़िबला शाह साहब। या अली मदद। या अली अलैहिस्सलाम मदद। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईद ज़हरा सलामुल्लाह अलैह आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी आपको भी मुबारक शाह साहब। मैं आपका और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि इस वक्त करबलाए मौला में मुझ आजिज़ की आवाज पहुंच रही है। ये मेरे लिए लम्हाते मेरे हासिले जिंदगी मेरे हासिले जी लम्हात हैं। सलामत रहे मौला, आपको सेहत दे तंदुरुस्ती दे। चाहूंगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से आज के जश्न का अहतमाम फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अकीदत। बेमिसल हैं ये गुलशन खैरुल वरा के फूल। वाह सुभान अल्लाह। बेमिसल हैं ये गुलशन खैरुल वरा के फूल। सिबते रसूल पाक हैं शेरे खुदा के फूल। और उस खौफे खिजा नहीं है इन्हें कोई भी जरा। वाह सुभान अल्लाह। खौफे खिजा नहीं है उन्हें कोई भी जरा। रहते हैं पुरबहार दरे मुस्तफा के फूल। और ये मासूमीन करबला की नजर दीने मबी को बख्श गए हैं हयात नौ। दीने मबी को बख्श गए हैं हयात नौ।
होकर निसार मेरे शहे करबला के फूल, वाह 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 वाह, और हो वो जो शुक्रिया जनाब, हो वो जनाब हुर के वो हो साहबे अलम, हो वो जनाब हुर के वो हो साहबे अलम, महकेंगे ता अबद ही ये बागे फूल, वाह 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 वाह। और मसूद, बहुत शुक्रिया जनाब, मसूद चिश्ती आपके दर का गदा हजूर, मसूद चिश्ती आपके दर का गदा हजूर, लाया है नजर करने को अपनी वफा के फूल, और बाजूरे मौलाए कायनात करमुल्ला है वजहुल करीम, दीदारे मुर्तजा है इबादत कुलूब की, दीदारे मुर्तजा है इबादत कुलूब की, और जिक्र अली पाक तहारत कुलूब की, वाह 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 वाह। ये हदीस पाक से इक्तसाब किया है जी, मौलाए कायनात की चश्मे करीम से, मौलाए कायनात की चश्मे करीम से होती है दूर सारी निजासत कुलूब की, वाह 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 वाह। और आओ आओ के बार गाहे नजफ की तरफ चलें, वाह, आओ के बार गाहे नजफ की तरफ चलें, वाह, ताकि हमें अता हो सकीन कुलूब की, वाह सुभान अल्लाह। मिलती है याद फातहे खैबर से सुबह शाम, सुभान अल्लाह, मिलती है याद फातहे खैबर से सुबह शाम, सुभान अल्लाह, फजले खुदा से राहत नखत कुलूब की, वाह 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 वाह। और कहते रहेंगे हम तो मुसलसल अली अली, वाह वाह, कहते रहेंगे हम तो मुसलसल अली अली, वाह वाह, होती है दूर इससे जुल्मत कुलूब की, वाह 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 बेशक, वाह वाह वाह। और मंसूब हो गए हैं जो मौला अली से हम, वाह, मंसूब हो गए हैं जो मौला अली से हम, वाह, मिलती गई मुदाम ही राहत कुलूब की, वाह 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 वाह। और मौलाए कायनात के सदके मेरे हुजूर, वाह, मौलाए कायनात के सदके मेरे हुजूर, वाह, फरमाए हश्र में भी शफाअत कुलूब की, वाह 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 वाह। और सांसें कहें तमाम मुसलसल अली अली, वाह वाह वाह, सांसें कहें तमाम मुसलसल अली अली, वाह, जारी है सुबह शाम रियाजत कुलूब की, वाह 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 वाह। और क्यों ना करूं मैं मिदहत मौला अली मुदाम, वाह, क्यों ना करूं मैं मिदहत मौला अली मुदाम, वाह, मिलती है इससे दायमी राहत कुलूब की, वाह 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 वाह। और शाह साहब जिन में बसा हो इश्क शहे बूतर आपका, बेशक, वाह वाह, जिन में बसा हो इश्क शहे बूतर आपका, वाह, है दीदनी जहान में तलअत कुलूब की, वाह 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 वाह। और मसूद मसूद खाके शहरे नजफ के तुफैल देख, वाह, मसूद खाके शहरे नजफ के तुफैल देख, वाह, पहुंची है किस मुकाम पे हिकमत कुलूब की, वाह 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 वाह। मसूद खाके शहरे नजफ के तुफैल देख, वाह, पहुंची है किस मकाम पे हिकमत कुलूब की, वाह वाह वाह, दीदार मुर्तजा है इबादत कुलूब की, वाह वाह वाह। और जनाबे सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की बारगाहे अकदस में बसद इज्जत एहतराम, नूरे चश्मे मुस्तफा है सैयदा जहरा की जात, वाह वाह वाह, बेशक, नूरे जाते मुस्तफा है सैयदा जहरा की जात, सर बसर जूदो सखा है सैयदा जहरा की जात, वाह 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 वाह। और आप ही खातून जन्नत मादरे हसनैन पाक, वाह वाह, आप ही खातून जन्नत मादरे हसनैन पाक, बानोए शेरे खुदा है सैयदा जहरा की जात, वाह 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 वाह। और आयाए तत्हीर बेशक आपकी है शान में, वाह वाह, आयाए तत्हीर बेशक आपकी है शान में, ये शरफ जिनको मिला है सैयदा जहरा की जात, वाह 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 वाह। और जिसके बागे बेमिसल के फूल सारे बेमिसाल, वाह, जिसके बागे बेमिसल के फूल सारे बेमिसाल, वाह,
रहमते अर्जो समा है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और बहुत शुक्रिया जनाब, जिसके फैजे पाक का सदका है इल्मो आगही। वाह वाह वाह, जिसके फैजे पाक का सदका है इल्मो आगही। वाह वाह वाह, मंबाए इल्मो जिया है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और दर बदर क्यों कर फिरे बनकर गुलामे अहले बैत। वाह, दर बदर क्यों कर फिरे बनकर गुलामे अहले बैत, जबकि खुद बहरे अता है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया शाह जी। जिनकी निस्बत की बदौलत इज्जत निस्वां बड़ी। वाह, जिनकी निस्बत की बदौलत इज्जत निस्वां बड़ी। वाह, अजमत रश्को हया है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और शाह साहब बहुत शुक्रिया। जिसकी खाके पाके जर्रे अंजुमो खुर्शीद हैं। वाह, जिसकी खाके पाके जर्रे अंजुमो खुर्शीद हैं, मंबाए नूरो जिया है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और मैं भी हूँ मसऊद, मैं भी हूँ मसऊद उनके दर का एक अदना गुलाम। वाह बेशक, मैं भी हूँ मसऊद उनके दर का एक अदना गुलाम। रुतबे में जो मावरा है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और नूर चश्मे मुस्तफा है सैयदा जहरा की जात। वाह 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 वाह, और बसद एहतराम बहजूर हजरते सैयदना इमाम मौला हसन मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह। साहबे फकरो गिना है सैयदी मौला हसन। वाह वाह वाह, साहबे फकरो गिना है सैयदी मौला हसन। वाह, मंबाए जूदो सखा है सैयदी मौला हसन। वाह 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 वाह, शाह साहब सुलह जू है जात जिनकी रहबरे दीने खुदा। वाह वाह वाह, सुलह जू है जात जिनकी रहबरे दीने खुदा, अहले हक के पेशवा है सैयदी मौला हसन। वाह 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 वाह, गौर कीजिएगा, अहले हक के पेशवा है सैयदी मौला हसन। और जिनकी चौखट की गुलामी रश के तख्तो ताज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिनकी चौखट की गुलामी रश के तख्तो ताज है, ताजदारे असफिया है सैयदी मौला हसन। वाह वाह वाह, आप में हुस्ने शबाहत भी है नाना जान का। वाह, आप में हुस्ने शबाहत भी है नाना जान का। वाह वाह, आप अक्से मुस्तफा है सैयदी मौला हसन। वाह 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 वाह, और शाहजी अर्शियों में क्यों ना मेरी मनकबत की धूम हो। वाह वाह, अर्शियों में क्यों ना मेरी मनकबत की धूम हो। रिफअते फिक्रे रसा है सैयदी मौला हसन। वाह 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 वाह, और शाहजी ये शेर समाप्त फरमाइए, क्योंकि दुश्मनों के हक में भी अफवो अता जूदो करम, दुश्मनों के हक में भी अफवो अता जूदो करम, जिनकी आदत में सखा है सैयदी मौला हसन। वाह 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 वाह, और जिनके सदके हो शफात हशर के दिन भी नसीब। वाह, जिनके सदके हो शफात हशर के दिन भी नसीब, दिल बरे खैरुल वरा है सैयदी मौला हसन। माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। माशाल्लाह, बहुत प्यारा कलाम था, जी नहीं चाहता था कि कलाम को तमाम किया जाए, लेकिन किल्लत वक्त दामनगीर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावा देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा, और उम्मीदवार रहूँगा आप अपने कीमती कलाम को बारगाह मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हदिया फरमाते रहेंगे। सदा आबाद रहें आपका घराना, सदा आबाद रहें आपकी नस्लें जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से, मारफत अहले बैत अलैहिस्सलाम से, मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम से, जो कि अजर रिसालत है। खुदावंद ने मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें। ये थे हमारे साथ नात गो शायर अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद असद बुखारी साहब, जो मुतखल्लस हैं मसूद चिश्ती साहब के नाम से, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें, ये जिक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रहे, सदा खुशहाल रहें मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के अंदर। और अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वाले यकीनन आज के दिनों में खुशहाल ही हैं, क्योंकि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे हमारे साथ है। और नोहा खां आसिफ रिजा शुजाबादी साहब मुल्तान पंजाब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद।
शापीर मौला अली अलैहिस्सलाम, मदद। करबलाए मौला बैनुल हरमैन बारगाह अकदस अहले बैत अलैहिस्सलाम में आपकी आवाज़ गूंज रही है, चाहूँगा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से इस मुकद्दस महफिल को आबाद फरमाइए। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अहलल बैत वयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। सबसे पहले प्रोग्राम ये कर पाए तमाम टीम बिलखसूस खतीब आले मुहम्मद साहब का मैं मशहूर हूँ, उन्होंने पढ़ने का मौका फराहम किया। दुआ है कि अल्लाह पाक सदका मोहम्मद तमाम मोमिनीन की दिल की नेक हाजात पूरी फरमाए, आमीन। क्योंकि मुख्तसर टाइम है तो मैं महीने की मुनासिबत से एक दो नात के अशार और एक दो नोहे के अशार पढ़ के तालिब दुआऊंगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम व अनादाहुम अजमईन। अगर नात पे ज्यादा तवज्जो दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिस्मिल्लाह जी जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। नजर में एक जीना पड़ गया है, 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 अंगूठी में नगीना पड़ गया है, अंगूठी में नगीना पड़ गया है। ये पानी आब कोसर बन गया है, ये पानी आब कोसर बन गया है, तेरा इसमें पसीना पड़ गया है, वाह 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 वाह, तेरा इसमें पसीना पड़ गया है, वाह 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 वाह। निदामत है नदी से पलट कर, निदामत है नदी से पलट कर, खुदाया मुझे पड़ गया है, खुदाया मुझे गया है, जुवेद भाई मैं एक नोहे का एक दो मिसरे और उसके बाद तालबे दुआ। बिस्मिल्लाह। नोहे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से कि अगर मेरी बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शाम ना जाती तो क्या होता। अली की बेटी के नामे ना हो, ना शाम जाती तो फिर ये नाम खुदा ना होता, यजीद खुतबों में घर ना मारता, यजीद खुतबों में घर ना मारता,
कहीं पे भी लाइला ना होता अली की बेटी, ना लोग गैरत की बात करे ना खीर बेटी, अगर जमाने से आशरियों की हवस में आकर ये लोग इस्लाम भूल जाते, गिरा के हैदर की लाडली ने, गिरा के हैदर की लाडली ने, ये फर्क बात दिया ना होता अली की बेटी ना शाम जाती। اللهم صل على محمد وعلى محمد واجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعين صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں خداوند نے متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں جب جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرماتے رہیں گے خداوند نے متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر اہل بیت علیہ السلام معرفت اہل بیت علیہ السلام اور مودت اہل بیت علیہ السلام سے ایسی ڈھیر ساری خوشیاں آپ کو منانا نصیب ہو جس میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنا نصیب ہو صدا آباد رہیں صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان آصف رضا شجاع آبادی صاحب ملتان پنجاب پاکستان سے خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ منقبت خان سمر عباس انقلابی صاحب سندھ پاکستان سے السلام علیکم وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد مولا علی علیہ السلام مدد کربلا مولا بین الحرمین اور عید زہرا سلام اللہ علیہ اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو خیر مبارک آپ کو بھی ہو جناب سلامت رہیں بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے چاہوں گا خوشیوں کے ایام میں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیے بسم اللہ کیجئے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم جیسا کہ جناب میں شاید مجھے جتنا یاد ہے کہ دوسری مرتبہ اس چینل پہ آ رہا ہوں وہ بھی واٹس اپ وائس کال کے ذریعے لیکن جو منظور خدا منظور بی بی ہے پہلی مرتبہ بھی جب میں آیا تھا 8 محرم الحرام کو وہ بھی میں گاڑی میں تھا سفر کی وجہ سے ابھی بھی میں سفر کی وجہ سے گاڑی میں ہوں کہیں جا رہا ہوں اپنے صوبے سے باہر جا رہا ہوں پروگرام کے لیے مولا سلامت رکھے بس یہ زندگی کے معاملات ہیں بس یہ مولا کو جو منظور ہے کربلا میں میری آواز سنی جا رہی ہے مولا جاوید بھائی کو پوری ٹیم کو امام حسین ٹی وی کو سلامت رکھے سب کو مولا سلامت رکھے سب شیعہ سنی بھائیوں کو پورے پاکستان پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی رہتے ہیں خداوند تعالیٰ ان کو اپنے بچوں سمیت آباد و ارشاد رکھے اور ان کے لیے میں دعا گو ہوں ان کی خدمت میں مبارکباد عرض کرتا ہوں آپ بھی سلامت رہے مولا آپ کو سلامت رکھے بسم اللہ کیجیے گا مولا سلامت رکھے جی کہیں جی اجازت دے دو تو میں اپنا ذکر شروع کر دوں عنایت فرمائیے گا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی اللہم صلی علی محمد و علی محمد زمانے کی حاجت روا ہے محمد زمانے کی حاجت روا ہے محمد جہانوں کے رب کی رضا ہے محمد
जमाने के हाजत रवा है नारा हैदरी या अली जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद अली और हसनैन का चैन है अली और हसनैन का चैन है दिले फातिमा की सदा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद मुनव्वर किया नूर से जिसको रब ने मुनव्वर किया नूर से जिसको रब ने ये मुनव्वर किया नूर से जिसको रब ने सुनो बुलंद की है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद शिफा मेरा अल्लाह देता है सबको शिफा मेरा अल्लाह देता है सबको मगर ला दवा की दवा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद जमाने के हाजत रवा है मोहम्मद ये मैंने आपके सामने नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की थी और अभी चाहूंगा कि दूसरे नात आपके सामने पेश करूं अगर जा सकते हैं जो मुझे दोस्त सुनते हैं मौला उनको सलामत रखे अपनी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जो मुझे लोग जानते हैं मौला उन सबको सलामत रखे और तमाम चाहे करें मेरे हक में हमारे हक में दुआ करें मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम खानदाने नबुवत लाखो सलाम खानदाने नबुवत लाखो सलाम के नस्ल में जिसकी कायम है यारा इमाम के नस्ल में जिसकी कायम है ग्यारह इमाम नस्ल में जिसकी कायम है ग्यारह इमाम जामुन खातून जन्नत लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम मुस्तफा जो जो घर मोमिन बैठे हुए देखते हैं सब मोमिन को गुजारिश के सब मेरे साथ पढ़े और अपने दिल को मुनव्वर करे इस नात के साथ आंखें बंद करके पढ़े और मदीने खुद को समझे मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम जो है सरदार जन्नत बकौले नबी के जो है सरदार जन्नत बकौले नबी जो है सरदार जन्नत बकौले नबी उन जवाना ने जन्नत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम के कह रही है ये खुश होके तेरा रजब क्या कह रही तेरा रजब सुनिएगा के कह रही है ये खुश हो के तेरा रजब कह रही है ये खुश हो के तेरा रजब जो फे काबा की हुरमत लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखो सलाम के दूर इनसे न जा सत को रखा गया दूर इनसे न जा सत
को रखा गया दूर से, नजासत को रखा गया पंजतन की तहारत पे, लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे, लाखो सलाम खुद भेजता है दुरूद, इन पे अल्लाह खुद भेजता है दुरूद, इन पे अल्लाह खुद भेजता है दुरूद, आले अहमद की अजमत पे लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, ज़फ़र उनसे कायम है सारा जहां, ज़फ़र उनसे कायम है सारा जहां, सामर उनसे कायम है सारा जहां, यानी सरकारी हुज्जत लाखो सलाम, जानी सरकार हुज्जत पे लाखो सलाम, खानदान कुव्वत पे लाखो सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम। सदा बाद रहे, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहे। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं, हमेशा मुखलिसाना अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए जिक्र फरमाते रहें, और सदा अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए बोलते रहें, और सदा अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए गुनगुनाते रहें, और हमेशा दुनिया व आखरत में आपका कुर्ब व जवार अहले बैत अलैहिम सलाम के साथ हो, और खुदावंद मुताला आपको दुनियावी हवा व हवस से महफूज रखे। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ये थे हमारे साथ नुहा उमन कबत खां, समर अब्बास इनकलाबी साहब सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए, हमेशा अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए जिक्र फरमाते रहें, और अहले बैत अलैहिम सलाम के पयाम को आम करते रहें, अहले बैत अलैहिम सलाम के नाम को आम करते रहें, सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम फरमाते रहें। हमारे साथ काफ़ी सारे दोस्तान जो मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ जगहों से मौजूद रहते हैं, और ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम के दौरान हमसे दुआओं के लिए कहते रहते हैं, मैं उनके नाम पढ़ देता हूं आपके हुजूर, ताकि आप लोग ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए जो हमारे साथ शरीक रहते हैं, आपकी दुआओं को भी मोमिनीन के ज़रिए से तलब किया जा सके। परेह खान साहब ने लिखा है इल्तमास दुआ, मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाएँ। फिर परेह खान साहब ने लिखा है लब्बैक या अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को 61 हिजरी 10 मुहर्रम की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाएँ। फिर परेह खान साहब ने लिखा इल्तमास दुआ, आपकी दुआएँ मौला कबूल फरमाएँ। फिर लिखा मौला जल्द इज़्न अता फरमाएँ, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएँ। फिर तैयब शाह साहब ने लिखा है सुबहान अल्लाह माशाल्लाह, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। दाद व तहसिन की मौला के ज़िक्र के लिए यकीनन दिल ठंडा हुआ, मौला आपके बुज़ुर्गों पर रहमतें नातिल फरमाएँ। फिर तैयब शाह साहब ने लिखा प्लीज़ प्रे फॉर माई आंटी एंड अंकल हेल्थ एंड स्पीडी रिकवरी इंशाअल्लाह, दे बोथ डायग्नोस्ड कैंसर, जजाकल्ला खैर। मौला आपके बुज़ुर्गों को सेहत अता फरमाएँ, दिल को दुख हुआ सुन के कि उन्हें कैंसर है आपके अंकल को। बहरहाल दुआ गूँ, सब मोमिनीन सुन रहे हैं, खुशियों के अय्याम हैं, मौला आपके अजीज़ों को सेहत कामला अता फरमाएँ। आपकी चचा और चची को जो ये तकलीफ़ है, खुदावंद मुताला ने सेहत कामला अता फरमाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का सदका आप पर रहमत बरकत नादिल हों। और परेह खान साहब ने लिखा लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को 61 हिजरी 10 मुहर्रम की पुकार पर लब्बैक में शुमार फरमाएँ। और तैयब शाह साहब ने लिखा अल्लामा सलाम या मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएँ। फिर लिखा जज़ाकअल्लाह भाई, मौला सलामत रखें, मौला आपको भी सलामत रखें।
तैयब शाह साहब ने लिखा, प्लीज प्रे माई फैमिली हेल्थ एंड हाजात, जदाकल्ला खैर। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और आपकी फैमिली पर रहमत बरकतें नादिल हों। और हमारे साथ जो YouTube पर मौजूद रहे, मिर्ज़ा ताहिर साहब ने लिखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं। फिर लिखा, बीबी जहरा के घर की ईद शुजा और ताज पोशिए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, सभी को मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो, सलामत रहें। और मौला फौजिया ताहिर और मोहम्मद की हर तकलीफ़ बीमारी दूर करें। मौला आपके जो ये तकलीफ़ और बीमारियां हैं इनको आसान अंदाज में दूर फरमाएं और आपको हर इम्तिहान में कामयाब फरमाएं। और मिर्ज़ा ताहिर साहब ने ये इमोजीज़ और दिल और काफ़ी सारी चीज़ें बनाकर भेजी हैं, यकीनन मोहब्बत करते हैं मौला की बारगाह में अपना पैगाम पहुँचा कर। फिर लिखा है, मौला बहुत सलाम और दुरूद पाक आपकी बारगाह में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहु शरीफ होना चाहिए। मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं और दुरूद कबूल फरमाएं। जुहेब रजा साहब ने लिखा, माशाल्लाह। फिर लिखा, क्या बात है। फिर इमोजीज काफ़ी सारी बनाकर भेजी हैं। फिर वाह वाह लिखा है, क्या बात है, माशाल्लाह लिखकर भेजा। फिर इमोजीज हैं। मौला आपकी ये मोहब्बतें कबूल फरमाएं, यकीनन खुशियों के दिन हैं। मौला आपके दिल को खुशियाँ अता फरमाएं, मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम की ठंडक अता फरमाएं। और अलमदार हुसैन साहब ने लिखा, इल्तमासे दुआ, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। ये मैंने YouTube से मैसेजेस पढ़े हैं और Facebook के ऊपर भी मैसेजेस अभी आ भी रहे हैं, दोस्तान लिख रहे हैं। तैयब शाह साहब ने लिखा, सलामत रहें हमेशा, आमीन, आप भी सलामत रहें। फिर लिखा, इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। और फिर लिखा, सलाम या मौला अब्बास अलैहिस्सलाम। और फिर दुआओं की मौजूद बनाकर भेजी, मौला पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से महजूद होते रहें, खुश रहें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, आबाद रहे आपका घराना मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम के सबब से। हमारी बका अहले बैत अलैहिस्सलाम है, हमारी ज़िंदगी अहले बैत अलैहिस्सलाम है, हमारी नजात अहले बैत अलैहिस्सलाम है। इस एतबार से जितना भी जिक्र किया जाए अहले बैत अलैहिस्सलाम का कम है। बहरहाल आखिरी दकायक चल रही हैं प्रोग्राम के, उसमें हम एक छोटा सा नात का जो एक हिस्सा है वो पढ़ देता हूँ। मेरे अल्फाज कहाँ, मिदहते सरकार कहाँ, या नबी आपके लायक मेरी गुफ्तार कहाँ, आपकी मदहसरा अर्श बरी के मलकूत, आपके मदहसरा अर्श बरी के मलकूत, आपकी शान के शायान मेरे अशार कहाँ, किससे दूँ आपको तशबीह ए जमाले यजदा, यूसुफ़ मिस्र कहाँ, अहमद मुख्तार कहाँ, कहाँ एजाज मसीहा असाए मूसा, आपका मौजज़ाए हैदर करार कहाँ, बादशाही तेरे सलमान व अबू ज़र की कनीज, कैसर व कसरा कहाँ, तेरे तलबगार कहाँ, आपकी चश्मे इनायत का करम है वरना, ये गुनाहगार कहाँ, आपका दरबार कहाँ, ये गुनाहगार कहाँ, आपका दरबार कहाँ। आखिरी वक्त है प्रोग्राम का, आए आखिरी वक्त में अपने प्यारे याद आते हैं इंसान को, हमारे प्यारे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम थे। जिस तरीके से अहले बैत अलैहिस्सलाम की घराने में खुशियों के अय्याम हैं, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश हैं। मौला की बारगाह में तबरीक पेश करनी चाहिए, मौला की बारगाह में तहनीत पेश करनी चाहिए, मौला की बारगाह में खुशियों की मुबारकबादी देनी चाहिए। आए मिलकर इन मुबारकबादियों, तहनीतों को और खुशियों की इस मुबारकबादियों को मौला की बारगाह में पेश करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है, मौला के ज़हूर की दुआ की जाए। आए मिलकर दुआ करें, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज वल आफियत वन नसर वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही।